सो गाइस वी आर डन विद डोमेन ऑफ फंक्शंस, ठीक है, अब आते हैं रेंज पे, राइट। सो डोमेन एंड रेंज ये हो गया, इसका मतलब अपना वन वन ऑन टू फंक्शन वाला जो फंडा है वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। सो इफ यू आर एबल टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन, यू विल बी एबल टू चेक वेदर द फंक्शन इज वन वन ऑन टू और नॉट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो और एक्सक्लूसिवली इस पे क्वेश्चंस आते भी है कि फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन, ये एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। सो एनीवे फाइंडिंग रेंज इज नॉट दैट इजी एट ऑल, है ना, आई मीन वी हैव टू रिमेंबर सो मच बेसिकली, ठीक है। मैंने अलग अलग फंक्शन का क्या आउटपुट होता है, क्या अप्रोच होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। फंक्शन देखे कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन है, उसके हिसाब से अपना अप्रोच बदलेगा, ठीक है। सो गोना बी डिफिकल्ट बट चलो लेट्स गिव आवर बेस्ट। ओके, टाइटल नंबर क्या रहेगा रेंज का? सो बेसिकली क्या है, अच्छा रेंज हम ऑलरेडी जो कर चुके, कौन सा इसमें किया था हमने, ट्रिग्नोमेट्री का रेंज, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस हम कर चुके ऑलरेडी, ठीक है। तो हम आते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। सो इसमें काइंड ऑफ यू नो काइंड ऑफ टाइटल वन रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस एस्पेशली इट विल बी रिलेटेड टू साइन कॉस, क्यों, क्योंकि साइन और कॉस फंक्शन जो है वो बाउंडेड है ना, साइन एंड कॉस आर बाउंडेड। साइन हमेशा किसके बीच में लाया करता है, माइनस वन टू वन, और कॉस किसके बीच में लाया करता है, माइनस वन टू वन है, इज इट। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स माइनस थ्री, फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का रेंज फाइंड करो। अगर वही f of x denominator में होता, you know something like 9 sin x minus 7, right? Then what do we do in such cases? फिर next f of x is equal to 3 sin x plus 4 cos x plus 5. Remember, ऐसे क्वेश्चन भी हम कर चुके ऑलरेडी, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी वाले क्वेश्चन, इज़न्ट इट। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 टाइम स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी किया था हमने, रिवर रेसिप्रोकल, f of x is equal to 1 by mod sin x plus 1 by mod cos x. Guys, देखो already हम range of trigonometric expressions पे हम बात कर चुके हैं trigonometry वाला chapter पे, तो like I said please go through notes of this particular concept, है ना, या इसका related link मैं अपना group में डालूँगा, please go through that lecture, right? चलो आते हैं। ये boundedness है, ये दोनों भी boundedness based है ना, तो कैसे, तो basically ये जो function actually linear function है, a x plus b, लेकिन x के जगह sin x आ गया, तो हम start करेंगे sin x से, मैंने जिसके बारे में हम जानते हैं वहां से हम start करेंगे, है ना, let's start with sin x। sin x के बारे में क्या जानते हैं हम, minus one to one, फिर क्या करें, exactly 2 से multiply करेंगे दोनों तरफ से, फिर सब्ट्रैक्ट 3, इज इट 2 sin x minus 3, 2 minus 3 is minus 1, minus 2 minus 3 is minus 5, therefore f of x lies between minus 5 and minus 1, तो f of x का रेंज हो गया minus 5 to minus 1, सिंपल है ना, वेरी 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 सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल। इफ यू सी लीनियर इन टर्म्स ऑफ साइन या कॉस, दिस इज व्हाट वी कुड डू। अच्छा अगर भाई यहाँ क्वाड्रेटिक होता, व्हाट वुड यू हैव डन, व्हाट इफ हैड इट बीन क्वाड्रेटिक, साइन स्क्वायर, है ना। अच्छा तो गाइस साइन स्क्वायर किसके बीच में लाया करता है, 0 to 1, दैट्स सिंपल,
तो अगर ओनली साइन स्क्वायर या ओनली कॉस स्क्वायर होता तो वी वुड हैव यूज्ड 0 टू 1, ठीक है? तो अंडरस्टूड है, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हियर। आते सेकंड सेकंड, यू नो मैंने जानबूझ के देखो डिनोमिनेटर में कंसीडर किया है ना, क्योंकि 9 sin x minus 7 का हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, डोंट वी? अगेन वी स्टार्ट विद sin x lies between minus 1 to 1, फिर 9 sin x, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -7, सब्ट्रैक्टिंग -7, 9 -7 2, -9 -7 -16, राइट? अच्छा, यूजुअली यूजुअली क्या है, अगर मान लो x lies between 1 to 3 से, अगर अगर then what can we say about 1 by x? वेरी गुड, 1 by x lies between 1 by 3 to 1, है ना? तो एक्चुअली क्या है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है ना? वी व्हेन यू फाइंड रेसिप्रोकल व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज कि ऐसे कुछ होता है, 1 by x इनइक्वालिटी चेंज 1 by 1 1 by 3, तो 1 by x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 by 3 लेस देन और इक्वल टू 1, दिस इज व्हाट हैपेंस। लेकिन अगर एक तरफ नेगेटिव होता एक तरफ, तो बीच में ये जीरो हो रहा है और 1 by 0 टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इन दैट केस दिस वोंट वर्क। इसीलिए याद है हमने ये डिस्कस कर चुके थे, हम डिस्कस किया था ऑलरेडी 1 बाय एक्स वाला ग्राफ, याद है? तो बेसिकली क्या है, आपके पास एक्स किसके बीच में है, ये है एक्स का रेंज है, तो 1 बाय एक्स किसके बीच में लाई करता है, इसलिए याद है हम 1 बाय एक्स वाला ग्राफ यूज करेंगे, विल बी यूजिंग 1 बाय एक्स का ग्राफ। ठीक है, थिंक ऑफ इट दिस वे कि ये आपका x है, दिस इज योर x, x lies between which two values, -16 एंड 2, थिंक ऑफ इट दिस वे, मान लो ये -16 है और मान लो ये है ना, सो ये -16 और 2 के बीच में है, तो 1 by x कहाँ होगा, है ना? तो गाइस ये x है, तो ये वाला ग्राफ height gives you 1 by x, height gives you 1 by x, is it? तो ये देखो -16 पे 1 by x कितना हुआ, -1 by 16, है ना? तो आपको ना ये इंटरवल में चाहिए, ये इंटरवल में y कैसा है, देखो y नीचे जा रहा है तो -infinity, is it? फिर यहां देखो 0 से 2 पे ये वाला ग्राफ है आपका, ये वाला ग्राफ है, तो -16 टू 2 के बीच में 1 बाय एक्स जो है वो -16 टू -इनफिनिटी और इनफिनिटी टू 2, है ना, उसका उल्टा। सो देयरफॉर 1 बाय 9 साइन एक्स माइनस 7 बिलोंग्स टू, है ना, इसका रेसिप्रोकल है ना, 1 बाय एक्स ग्राफ यूज कर रहे हैं, है ना? तो ये एक्स है और ये 9 साइन एक्स ब्ला 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 का वैल्यू है -16, तो -1 बाय 16, तो -इनफिनिटी टू -1 बाय 16 यूनियन 2 टू इनफिनिटी, 2 टू इनफिनिटी, क्या ये आया समझ में? ठीक है, सो अच्छा, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होता तो चल जाता, आप डायरेक्ट उल्टा कर सकते हैं, डायरेक्ट यू कुड डू रेसिप्रोकल, लेकिन प्रॉब्लम कब जाएगा, जब बीच में जीरो आ गया, है ना? जब बीच में जीरो आ गया तो प्रॉब्लम जाएगा। तो जस्ट टू मेक श्योर कि वी अंडरस्टूड दिस, आई एम गोना गिव यू 2 to 3 क्वेश्चंस, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, ऑन योर ओन। ठीक है विच आई लाइक यू टू ट्राई होमवर्क क्वेश्चंस ऐसे ही ऐसे, कौन सा? और सॉरी सॉरी, ये 2 पे ये 1 बाय 2 है ना, आई वाज वेटिंग दी व्हेन यू दी करेक्शन। अच्छा, तो देखो इस पे होमवर्क करना है आपको, अ क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4, है ना, ये करना है आपको, इजी क्वेश्चन है। अनदर क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 साइन एक्स माइनस 2,
तो ये 1/s वाला ग्राफ यूज करके करना होगा आपको, ठीक है। तो जस्ट इन केस x lies between -3 to -1, 1/s lies between ना, इसका रेसिप्रोकल -1/3, इसका रेसिप्रोकल यहां चलेगा, दोनों नेगेटिव है, यहां चलेगा दोनों पॉजिटिव है, लेकिन यहां एक तरफ नेगेटिव होगा एक तरफ, तो बीच में 1/s टेंड्स टू इंफिनिटी, एक तरफ प्लस इंफिनिटी एक तरफ माइनस इंफिनिटी, है ना। जस्ट इन केस मान लो x बिलोंग्स टू -2 टू 5, तो कैन बी डायरेक्टली कैन कुड यू गिव मी डायरेक्टली 1/s लाइज बिटवीन व्हिच इंटरवल। वेरी गुड यूनियन, वेरी गुड, सिंपल है ना। जो पॉजिटिव वाला जो है, पॉजिटिव वाला जो है 1/5 टू इंफिनिटी जाएगा, देखो ये वाला 5 प्लस 1/5 टू इंफिनिटी, नेगेटिव वाला देखो माइनस इंफिनिटी टू -1/5, ठीक है। ये चीज जो है जो अभी क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। Don't we know that about this one, this thing? A sin x plus b cos x plus c, remember? In fact, a sin x plus b cos x or a cos x plus b sin x. Remember, ये जो expression है, ये जो f of x है, it always lies between plus minus, what was that? Root over a square plus b square, isn't it? ये इसके बीच में ही लाइक करता है हमेशा। अगर मान लो आपने प्लस सी कंसिडर किया, प्लस सी तो सी माइनस टू सी प्लस, सिंपल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। कई क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी, रिसेंटली भी आ चुका है क्वेश्चन मेंस में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, सो 5 प्लस माइनस 5 इज इट, है ना, 5 प्लस माइनस रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इट, 5 प्लस माइनस 5। तो लोअर लिमिट के लिए माइनस, अपर लिमिट के लिए दैट्स इट, खत्म। अच्छा, फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑब्वियस है, रेसिप्रोकल, राइट, रेसिप्रोकल है और दोनों भी पॉजिटिव है। अच्छा, बेसिकली यू आर आस्क्ड टू फाइंड द रेंज ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन और दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, तो ऑब्वियसली वेरी गुड चांस कि वी कुड अप्लाई एम जी एम, वेरी गुड, है ना, एम जी एम, स्पेशली यहां देखो रेसिप्रोकल्स है ना, ओके। फोर्थ कई बार कर चुके हैं हम, इनफैक्ट वो अपना पेपर में भी आया था इफ यू रिमेंबर। तो रिमेंबर एम जी एम बिटवीन टू नंबर्स इज इट, अगर आपको डायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो टू रूट एम ऐसे कर सकते हैं। थ्री नंबर्स के लिए क्यूब रूट ऑफ एबीसी इज इट, 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ एबीसी, पक्का। अच्छा, तो यहां आते हैं, ये देखो डायरेक्ट करेंगे हम, 9 टाइम्स स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos² x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दो नंबर्स है तो टू रूट इनका मल्टीप्लीकेशन, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 स्क्वायर cot² x 9 4 36, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 2 12, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 का मतलब 12 टू इंफिनिटी। क्या ये इंफिनिटी जाएगा कभी? हाँ, पाई बाय 2 डालो इसमें, tan 90 कितना होता है? इंफिनिटी, सिंपल है ना, सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं फिफ्थ पे, राइट, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। तो सेम अगेन, 1/mod sin x प्लस 1/mod cos x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, टू नंबर्स है, सो टू रूट 1/mod sin x इनटू 1/mod cos x। अच्छा, कभी भी
साइन एक्स और कॉस एक्स मल्टीप्लीकेशन में रहा, व्हाट डू वी डू ऑलवेज साइन कॉस मल्टीप्लीकेशन में ऑलवेज। अरे एक इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसको, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2 गिव्स अस 2 अपॉन मॉड साइन 2x इज इट। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 रूट 2 अपॉन मॉड साइन 2x है ना। अच्छा ये देखो LHS में जो एक्सप्रेशन है f of x है वो इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए है ना, तो क्या हम इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं f of x का, क्योंकि रेंज का मतलब यू जस्ट हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। तो फॉर दिस टू बी स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर हैज टू बी मैक्सिमम, और डिनोमिनेटर में साइन है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, ये 1 होता है मैक्सिमम के लिए, सॉरी मिनिमम, ओवरऑल मिनिमम के लिए नीचे मैक्सिमम, नीचे मैक्सिमम 1 है ना। सो एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट 2 है ना। अच्छा सो 2 रूट 2 2 क्या ये इंफिनिटी हो सकता है कभी, हाँ पाई बाय 2 डाल साइन 90 1 सॉरी सॉरी हाँ कॉस 90 0 1 बाय 0 टेंड्स टू इंफिनिटी ठीक है। तो 2 रूट 2 टू इंफिनिटी, आप इजीली गेस भी कर सकते थे, जनरली ऐसे चीजों में मिनिमम मैक्सिमम में क्या कि वो इक्वल हो जाते हैं, ये जो टर्म्स है ना दे बिकम इक्वल। सो 45 45 पे पाई बाय 4 पे 1 बाय रूट 2 2 रूट 2 आएगा इन्फिनिटी का। आपको चेक करना कि आप क्या मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये कभी जीरो होता तो इन्फिनिटी हो जाएगा इज इट। ओके some nice questions we have done based on trigonometry. How many questions we have done? 5 is it? Sure. F of x is equal to sine square x. ये करने से पहले गाइस आई होप कि आप लोगों को ये याद है, डू यू नो दिस, ये हम नहीं करने वाले हैं अभी, वी जस्ट रिकॉल कि हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चंस। Do you remember these expressions? इसका क्या expression था? Very good. और इसके लिए क्या था? Sin square x, cos square x. सिंपल इज इट। क्या इसके बाद देखो साइन कॉस मल्टीप्लीकेशन में है, व्हाट डू वी डू है ना, साइन कॉस का होल स्क्वायर वी नीड 2, तो ये साइन 2x अपॉन, तो अल्टीमेटली दिस बिकम्स 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x। नो वी डू व्हाट टू डू हियर। अच्छा गाइस ये देखो साइन x किसके बीच में लाइक करता,
तो साइन 2x किसके बीच में रहेगा, वुड इट स्टिल बी माइनस 1 टू 1 साइन 2x, क्या एंगल को डबल ट्रिपल करने से क्या फंक्शन का वैल्यू बदलेगा, सॉरी फंक्शन का रेंज बदलेगा क्या? नहीं, पक्का श्योर है? तो गाइस रिमेंबर, एंगल डबल हुआ, व्हाट इज इट मैटर, यहां 90 पे 1 होता, यहां 45 पे 1 होगा, लेकिन साइन जो है, साइन हमेशा किसके बीच में वैल्यूज देगा आपको, -1 और 1 के बीच में। हां सो ऑलवेज गाइस कीप दिस इन माइंड, इट डजंट मैटर साइन व्हाटएवर एंगल, साइन व्हाटएवर एंगल should always lie between -1 and 1, ठीक है, sin whatever angle, ठीक है, what about sin square 2x, ये किसके बीच में आएगा, 0 0 पक्का, फिर इसके बाद आप क्या करना आप जानते हो, you don't know what to do after this है ना, half से multiply, फिर minus sin, फिर adding 1, ठीक है, ये एक question कर लेते हैं, एक वाला आप लोग कर सकते हैं, तो half से multiply करें, फिर negative sin, नेगेटिव साइन का मतलब ये माइनस हाफ हो जाएगा, फिर एडिंग वन, तो सिंपली हाफ टू, सिंपल है कुछ नहीं, जैसे ही साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लीकेशन में आ गया, साइन टू एक्स बाई टू, लेकिन होल स्क्वायर, जब टू बाहर आएगा फोर, टू अपॉन फोर इज टू हाफ, and then etc etc, ठीक है, easy, तो ये आप लोग कर सकते हैं, try this as homework, so before we discuss 6, let's look at 9, 10 and 11, very interesting questions, यार देखो स्टेप एक्स आ गया, ये देखो, इट डजंट मैटर व्हाट इट्स इनपुट इज, एक्सेल का कुछ भी डालो, स्टेप क्या करता है, इंटीजर देगा हमेशा, स्टेप ऑलवेज गिव्स यू इंटीजर, स्टेप अप्लाई करने से साइन को पाई के साथ इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा, और इसका मतलब इट्स काइंड ऑफ यू नो काइंड ऑफ इट इज एन, दिस इज लाइक एन इंटीजर, तो इट इज लाइक साइन एन पाई, हमेशा जीरो, वेरी गुड, सिंपली जीरो, माने क्वेश्चन नंबर 9 में फंक्शन का रेंज जो है वो जीरो है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है ना, क्योंकि स्टेप ऑलवेज गिव्स यू इंटीजर्स, जैसे कि 0 1 2 3, तो sin 0 sin पाई sin 2 पाई sin 3 पाई sin n पाई जीरो, सिमिलरली व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, अगेन इट्स लाइक 2n + 1 पाई / 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई / 2, कॉस क्या होता है, जीरो अगेन हमेशा, व्हाट अबाउट 11, अच्छा ये देखो अगेन, इट डजंट मैटर व्हाट एक्स इज, यू नो एक्स की कुछ भी वैल्यू डालो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज सम नंबर, सम नंबर का स्टेप इंटीजर अगेन, और टैन एन पाई वो भी जीरो होता है क्योंकि साइन एन पाई जीरो, तो इसका भी आंसर जीरो, अच्छा 12th क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई इनटू स्टेप एक्स, यहां इट इज लाइक कॉस एन पाई है ना, कॉस एन पाई, कॉस एन पाई कुड बी और प्लस 1 है ना, तो इसका रेंज इज -1 या +1, क्योंकि कॉस इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई पे +1 होता है ना, इधर साइड वाले यहां इवन मल्टीपल +1 होता है, यहां ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यहां कॉस -1 होता है, इजी, अब आते हैं 6 पे, 6 इज अ नाइस क्वेश्चन है ना, लेट्स सी, हां वेरी गुड, कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर मैटर, अच्छा अगर सिर्फ ये होता लीनियर से हो जाता, सिर्फ क्वाड्रेटिक होता तो भी वो 0 टू 1 बना, लेकिन यहां लीनियर भी है क्वाड्रेटिक भी है, तो आपको क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा स्क्वायर को, है ना, अच्छा एंड हाउ डू वी कंप्लीट दिस स्क्वायर, हाफ द कोएफिशिएंट इज 5 by 2 का स्क्वायर, ऐड और सब्ट्रैक्ट, फिर -6, तो ये देखो यहां स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, sin x -5 by 2 का होल स्क्वायर, और फिर ये कितना होगा इधर 25 by 4 -6,
माइनस, दोनों माइनस है ना, तो माइनस 49 पर ना। फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट दिस स्क्वायर हियर, पहले स्क्वायर कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी डू, अगेन सेम फंडा, साइन एक्स इसके बीच में, माइनस वन और वन के बीच में, साइन एक्स माइनस फाइव बाई टू किसके बीच में, माइनस वन माइनस फाइव बाई टू, माइनस सेवन बाई टू टू वन माइनस फाइव बाई टू। अब इसको ना स्क्वायर करना है, दिस इज वेयर थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा ये देखो, किसी का स्क्वायर तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे y इज इक्वल टू x स्क्वायर वाला ग्राफ, वी आर यूजिंग y इज इक्वल टू x स्क्वायर वाला ग्राफ, है ना। तो माइनस सेवन बाई टू यही कहीं होगा, माइनस थ्री बाई टू यही कहीं होगा, है ना। माने ये x के लिए ये ग्राफ, ये ग्राफ के लिए ये y होगा, इज इट। सो माइनस सेवन बाई टू का स्क्वायर, माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर, सही है। सो क्लियरली ये x के लिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ के लिए ये y, करस्पॉन्डिंग y, इसका मतलब ये रेंज है आपका। तो किसके बीच में लाइक करता है ये, 9 बाई 4 टू 49 बाई 4, और इसमें से आपको घटाना है माइनस 49 बाई 4, इसमें से आपको घटाना है माइनस, तो ये वो f ऑफ x हो जाएगा, है ना। माइनस 49 बाई 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इधर 0 इधर माइनस 10, आंसर इज माइनस 10 टू 0, ठीक है। वैसे भी ये इजी था, है ना, क्यों, दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव थे तो इजी था, है ना। अच्छा जस्ट इन केस यू नो होपफुली रिमेंबर दिस, कि अगर वो x, अगर x होता 1 और 3 के बीच में, x स्क्वायर किसके बीच में होगा, 1 और 9, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर वही x होता माइनस 3 और 1 के बीच में, व्हाट अबाउट x स्क्वायर, दिस इज वेरी मेनी स्टेट्स कमिट मिस्टेक्स, व्हाट अबाउट x स्क्वायर इन दिस केस, जीरो टू वेरी क्लोज। अब यहाँ अपने को ना ग्राफ यूज करना है, हमेशा यू मेक यूज ऑफ ग्राफ में, है ना। x का है, x स्क्वायर का चाहिए, तो यूज x स्क्वायर, माइनस थ्री समवेयर हियर, वन समवेयर हियर प्रोबेबली, है ना। ये देखो माइनस थ्री का स्क्वायर 9, वन का स्क्वायर 1, तो देखो ये आपका x है, ये x के लिए ग्राफ कौन सा है, ये है ग्राफ, है ना, दिस इज योर ग्राफ, ये ग्राफ है, ये ग्राफ के लिए y क्या है, ये है y, इजंट इट। तो ये ग्राफ के लिए, ये ग्राफ का हाइट क्या है, ये है हाइट, which is all the way from 0 to 9, ठीक है। तो गाइस प्लीज मेक यूज ऑफ ग्राफ्स, है ना, ग्राफ मेक्स थिंग्स इजीियर, इसलिए हम ग्राफ से, ग्राफ पे एम्फसाइज कर रहे हैं, ठीक है। So I'd like you to try a question based on this, you know, just like that. Over here, f of x is equal to 2 sine square x. Try this as well, yeah. ठीक है, ऐसे सब random question है, ठीक है, इसका range निकालना है, ठीक है, let me find range of this. f of x is equal to sine square x raised to 4, f of x is equal to 13 function identity hai, singleton set hai, one
अच्छा ये देखो गाइस, यहाँ अगर मैंने आप लोगों से पूछा कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, पहले हम किसको पूछेंगे, साइन इनवर्स, इसके बाद कॉस इनवर्स, ये भी माइनस वन टू वन, इज़ इट? अच्छा तो दोनों का डोमेन सेम है, तो इस डोमेन में साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स हमेशा कितना होता है, पाई बाय टू, दैट्स इट, इट डजंट मैटर व्हाट नंबर यू गिव, हमेशा वो पाई बाय टू होता है। ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, सिंगल टाइम सेट, ठीक है? तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का कहानी, मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कभी खत्म नहीं होता। अभी नेक्स्ट टाइप, टाइप टू questions of this type, step of f of x, माने किसी फंक्शन को हमने ऊपर से, हाँ अभी देखो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेंजिंग रूम कॉन्सेप्ट का, यहाँ हम क्या करते हैं, देखो अभी विंटर आ रहा है, so what do we do, we wear jacket, isn't it, blazer, jacket और क्या, hoodie, etc. etc. है ना, जैसे कि टी शर्ट, टी शर्ट पे शर्ट और शर्ट पे जैकेट, जैकेट पे हुडी, वट एवर, है ना। तो यहाँ क्या करते हैं हम, अंदर एक फंक्शन होता है, उसके ऊपर एक फंक्शन आ जाता है, उसके ऊपर फिर एक और फंक्शन, है ना, तो इसको हम बोलते हैं कपड़े पहनाना। तो ये कॉन्सेप्ट का नाम है कपड़े, है ना। तो वी आर स्लोली गेटिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वेयर फंक्शन के अंदर फंक्शन, के अंदर फंक्शन, के अंदर फंक्शन, ऐसे होते हैं क्वेश्चन, है ना। तो इसमें पहला वाला हम लेते हैं स्टेप। स्टेप क्या करता है, हमेशा नंबर्स को कन्वर्ट करता है इंटीजर्स में, है ना। चलो अब देखो वापस ट्रिग्नोमेट्री इसमें, अच्छा क्वेश्चन नंबर क्या लेगा इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्टेप साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्टेप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, f of x is equal to step mod sin x plus mod cos x, okay। अच्छा ये करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, ऐसे x lies between 1 to root 7 मान लो, so what about step x, अगर मैंने पूछा, तो बेसिकली क्या है, what we basically do is x इसके बीच में है, तो step x किसके बीच में हो सकता है ये पहले find करेंगे, है ना। अच्छा तो obviously तो x के लिए, x को कौन सा jacket पहना है हमने, step, obviously इनको भी पहनाना पड़ेगा आपको। अच्छा तो इधर में step 1 और इधर में स्टेप रूट सेवन, स्टेप वन कितना होता है, वन होता है, रूट सेवन टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, तो टू पॉइंट समथिंग, है ना, टू पॉइंट समथिंग, जैसे कि 23, 20, 25, 26, 27, 28, 676 होता है, 2.6 something, है ना। अच्छा लेकिन स्टेप एक्स हमेशा कैसे वैल्यूज लेगा या कैसे वैल्यूज देगा, इंटीजर्स, यानी स्टेप एक्स हैज टू बी 1 और दैट्स इट। तो पहले हम रेंज फाइंड करेंगे और उस रेंज में क्या क्या इंटीजर्स है, दैट्स व्हाट वी गोइंग टू डू, है ना। तो ये ऐसे इलस्ट्रेशन है एज टू व्हाट वी गोइंग टू डू, ठीक है। अच्छा अब ये देखो सबसे अंदर कौन सा फंक्शन है, देखो डोमेन के वक्त सबसे बाहर, पहले सबसे बाहर वाला फंक्शन को पूछ लेते हैं, भैया आपका क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके अंदर वाला, भैया आपका क्या प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ क्या, अंदर से बाहर, है ना, रेंज में। तो पहले हम फोकस करेंगे अंदर वाला फंक्शन पे, साइन एक्स, है ना। साइन एक्स किसके बीच में लाइक करता, माइनस वन और वन के बीच में, है ना। तो स्टेप साइन एक्स किसके बीच में लाइक करेगा, अगेन माइनस वन टू वन, है ना, क्योंकि माइनस वन का स्टेप माइनस वन, वन का स्टेप वन,
तो माइनस वन और वन के बीच में क्या इंटीजर्स है? तीन इंटीजर्स है, माइनस वन, जीरो, वन। अच्छा, इसमें और इसमें सब लोग जानते हैं ना डिफरेंस, इसका मतलब सिर्फ यही वैल्यूज, आइसोलेटेड वैल्यूज, माइनस वन, जीरो, वन बस। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? टू टू फाइव, टू और फाइव इंक्लूडिंग ऑल वैल्यूज बिटवीन देम। अब आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्या कोई फील आ रहा है? कोई फंडा 16 है ना, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाला, यस गुड। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है, यहाँ ए वन है और बी है, तो ये किसके बीच में लाइक करता है? हमेशा प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस माने टू, सही है क्या? प्लस माइनस रूट टू। तो बेसिकली साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लाइज बिटवीन माइनस रूट टू प्लस रूट टू, इसे नहीं? अच्छा ये देखो, ये एडवांस क्वेश्चन है, ऑलरेडी आ चुका है, इलेक्ट्रिक आउट ऑफ द बॉक्स यार, है ना? अच्छा एनीवे लेट्स सी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसके बीच में, तो इसको कपड़े पहनाना है, कौन सा वाला? स्टेप वाला, अच्छा स्टेप माइनस रूट टू टू स्टेप रूट टू, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखूंगा, रूट टू का मतलब कौन सा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? अच्छा रूट टू का वैल्यू 1.414, उसका स्टेप कितना होता है? वन। अच्छा ये माइनस 1.414 है, इसका स्टेप कितना होता है? माइनस, सिंपल। तो अब इसमें, अरे हाँ एक मिनट एक मिनट, ये हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये अभी भी स्टेप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ही है, लेकिन ये स्टेप है तो वो पूरा इंटरवल नहीं देगा, उसमें सिर्फ कौन सा वैल्यू देगा? वो इंटीजर्स ही, माइनस टू, माइनस वन, जीरो और वन, राइट? अच्छा तो गाइस पहले मैंने जो लिखा था वो गलत था, है ना? आई मीन गलत अप्रोच, डू नॉट राइट एफ ऑफ एक्स। लगता है कि अगर वो लिख लिया रहता तो माइनस टू टू वन वुड हैव बीन आंसर, नहीं, ये स्टेप है, हमेशा इंटीजर्स ही देगा, ठीक है? राइट, सो गाइस हमेशा याद रखिए साइन कॉस में लीनियर एक्सप्रेशन है, साइन और कॉस में, ए साइन एक्स बी कॉस एक्स ऑलवेज। अब आते हैं 17 पे, अच्छा ये देखो, थिंग इज की वी नीड टू अंडरस्टैंड रियली, साइन एक्स का ग्राफ अपने पास है, कॉस एक्स का ग्राफ है, तो वी शुड बी नोइंग हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस के वक्त या एरियाज के वक्त करेंगे, अपने को ना एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज क्या हो सकता है, वो तो हम जानते हैं माइनस रूट टू और रूट टू के बीच में, लेकिन यहाँ तो मॉड लग गया, मॉड लग गया। अच्छा तो ये देखो, ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद करते हैं हम, बट लेकिन अभी कर लेते हैं। क्या ये है साइन एक्स का ग्राफ? इज इट? वेरी गुड, मोड अप्लाई करने से नीचे वाला ऊपर पलट पर ऊपर पलटेगा, सही है क्या? चलेगा ना, चलेगा क्या? हिंदी थोड़ी ना बन रहा है ना, अच्छा है ना, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो ऐसा होगा ऐसे आधा आधे। अच्छा तो ये जीरो है, ये पाई है, ये टू पाई है एंड सो ऑन, इजंट इट, है ना? अच्छा तो ये हो गया मॉड साइन एक्स का, फिर मॉड कॉस एक्स का कैसे दिखेगा? ये ऐसा होता है ना, ये ऐसा होता है, तो ये माइनस पाई बाई टू, जीरो और ये पाई बाई, अभी दोनों का एडिशन ये हो सकता है क्योंकि ये है क्योंकि। अच्छा तो हम दोनों को एक इसमें ड्रॉप करेंगे, हाँ ये ऐसा होता है ना,
अच्छा ये देखो, ये देखो, थिंग इज जब एक जीरो होता है तो दूसरा वन होता है, एक जीरो होता है तो दूसरा वन, वो कहां मिलेंगे? दे मीट एट पाई बाय फोर, लुक्स लाइक पाई बाय फोर इज अ टर्निंग पॉइंट, पाई बाय फोर पे ये भी वन बाय रूट टू है, वो भी वन बाय रूट टू है, लग रहा है कि पाई बाय फोर पे इट्स गोइंग टू बी मैक्सिमम, इज इट? जैसे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू रूट टू होता है, इज इट? इसका मैक्सिमम वैल्यू रूट टू होता है मैक्स, तो मॉड साइन मॉड कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू रूट टू ही होता है, क्योंकि मॉड क्या करता है नेगेटिव को, लेकिन वो पहले से पॉजिटिव है, वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू, तो ये जो भी है इसका मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है रूट टू, क्या इसका मिनिमम वैल्यू हम फाइंड कर पाते हैं, कर सकते हैं? कैन बी, दैट इज द क्वेश्चन, क्या इसका मिनिमम वैल्यू वन से नीचे जा सकता है, वन से नीचे जा सकता है, जाएगा, पॉसिबिलिटी है? ये देखो, जब ये फंक्शन एकदम नीचे गया, ये वाला फंक्शन वन है, जब ये वाला वन पे है ये जीरो है, माने को जीरो और वन टर्न्स पे लेंगे, दे टेक टर्न्स जीरो एंड वन, जब ये जीरो वो वन, जब वो जीरो ये वन, ऐसा लग रहा है कि ये कभी वन से छोटा हो ही नहीं सकता, सो इसका मिनिमम वैल्यू इज वन, इसको स्टेप अप्लाई किया, अप्लाई स्टेप, स्टेप अप्लाई करने से वन स्टेप ऑफ स्टेप रूट टू है ना, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स जो है वन और रूट टू, अच्छा रूट टू का मतलब 1.414, उसका स्टेप कितना होता है वन, तो वन और वन के बीच में एक ही इंटीजर है, विच इज ये एडवांस में आ चुका है पहले, तो इसी इट वॉज एन ऑब्वियस टू अस कि ये मिनिमम वन होगा, क्या मैक्सिमम वाला तो ऑब्वियस है, ये भी ऊपर, ये भी एकदम ऊपर ऊपर ही है ना, दोनों भी वन बाय रूट टू है, यहाँ इस जगह पे दोनों भी वन बाय रूट टू है, तो वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू, तो लेकिन दिस वाज़न्ट क्लियर कि क्या इसका मिनिमम वैल्यू वन है, क्या ये क्लियर नहीं है, बट एनीवे अगर आप कुछ वैल्यूज जाके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, जीरो और 90, 180, 270 वगैरह इन पे ना दे टेक टर्म्स, एनीवे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपन बाद में करेंगे ना, दिस नॉट वेस्ट टाइम हियर, फिर उससे आपको ना फेयर आइडिया आ जाएगा कि ये इसका मिनिमम वैल्यू 1 क्यों है करके, अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट लिखना है आपको टाइप 3 में, कॉन्सेप्ट का नाम है कपड़े, अच्छा तो बेसिकली व्हाट वी डू इज हियर वी फाइंड रेंज ऑफ इनर मोस्ट फंक्शन एंड वी कीप अप्लाइंग, वी कीप अप्लाइंग नेक्स्ट फंक्शन है ना, वी कीप अप्लाइंग फंक्शन, ठीक है, तो ये देखो एक फील्स अवार्ड है ना, टेढ़ा पैराबोला भी अपना इसमें नहीं है, बेसिकली इज नो सच थिंग एज टेढ़ा, वो हमने नाम दिया है, छेद आप लिख सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस, कपड़े, ठीक है, चलो आगे, सो बेसिकली इसमें वी हैव टू लाइक सर्टेन कॉन्सेप्ट हियर, सेम फॉर एग्जांपल वी हैव समथिंग लाइक एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, से तो बेसिकली एक्स के ऊपर एफ है और एफ के ऊपर जी है ना, तो फर्स्ट वी फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, मान लो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज क्लोज्ड ए टू बी, ठीक है, तो देयरफॉर रेंज ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी
तो ऊपर से कौन सा कपड़े पहनाना है अपने को, जी, तो ये होगा जी ऑफ ए टू जी ऑफ बी, बट ओनली व्हेन जी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इजन इट। इसलिए ये देखो समथिंग लाइक, अगर मान लो x किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में, मान लो ये y इक्वल टू x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर किसके बीच में होगा, 1 और 4 के बीच में, इजन इट। नाउ लेट्स कंसीडर cos x ग्राफ, cos x ग्राफ बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2, है ना। तो जब x 0 और पाई बाय 2 के बीच में होता है, व्हेन यू अप्लाई cos x, cos डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने से क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, माने cos 0 यहां आएगा और cos पाई बाय 2 यहां आएगा, तो 0 cos x 1, जो हम पहले से जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन यू अप्लाई इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी डजंट चेंज, है ना। तो अगर g डिक्रीजिंग फंक्शन होता, देन रेंज ऑफ g ऑफ f ऑफ x इज उल्टा, g ऑफ b टू g ऑफ a, नाउ ये केस 1 विद इन दिस, ये केस 1 है, ये केस 2 है, केस 3 जबरदस्त केस है, यहां हम AOD अप्लाई करेंगे, वी भी अप्लाई AOD है, ऑफकोर्स मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू के लिए भी यूजुअली ऑलवेज अप्लाई AOD, यूजुअली, है ना, डिराइव करो इक्वल टू 0 ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। अच्छा, तो नाउ यू सी इफ g इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, g इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है, देन व्हाट डू वी डू, देन व्हाट डू वी डू इज वी सिंपली अपना g ऑफ f ऑफ x जो है ना, अपना फंक्शन जो है, इसको ना डिराइव करेंगे, फंक्शन को डिराइव करेंगे एंड देन इक्वल टू 0, तो x के कुछ वैल्यूज लेंगे, से फॉर एग्जांपल x के वैल्यूज है अल्फा और बीटा, है ना। तो अपना पूरा फंक्शन जो है g ऑफ f ऑफ x जो है उसको डिराइव किया, इक्वल टू 0 किया, और x के दो वैल्यूज आ चुके हैं अल्फा बीटा। नाउ व्हाट डू वी डू इज, नाउ व्हाट डू वी डू इज वेरी सिंपल, वी फाइंड g ऑफ f ऑफ a, g ऑफ f ऑफ b, g ऑफ f ऑफ अल्फा एंड g ऑफ f ऑफ बीटा, माने already f of itself is यहाँ मैं f के साथ साथ लिख दिया मैंने, वैल्यू a है, f of x का खुद का वैल्यू है a और f of x का मैक्सिमम वैल्यू है b, तो हम g of a फाइंड करेंगे, g of b फाइंड करेंगे, फिर ये जो डिफरेंशिएट करने के बाद जो पॉइंट्स है वो भी फाइंड करेंगे, यहां एक्चुअली अपने को ना f का कोई जरूरत था भी नहीं, एक काम करते हैं डायरेक्ट, लेट दिस बी x के वैल्यूज a टू b, Let's do one thing. X belongs to A to B. X A और B के बीच में है. अगर G increasing function होता, है ना? G increasing function होता, तो G of X की जो maximum value will be G of B, may only G of A. ये सिर्फ G of X. अब G क्यों? F ही लेते हैं. अरे पूरा modify करना पड़ता है क्या? चलिए काम करके G रख लेंगे. ठीक है? तो increasing function है, तो G of A to G of B. Decreasing function है, g of b to g of a, neither increasing nor decreasing है, तो what do? We derive the function equal to 0, तो x के दो values आएंगे alpha and beta, ठीक है, तो हम find करेंगे function का value at end points of interval, g of a, g of b, as well as g of alpha, g of beta, है ना,
तो विच एवर इज मिनिमम वो लोअर लिमिट होगा इंटरवल का, विच एवर इज मैक्सिमम वो अपर लिमिट होगा इंटरवल। ठीक है, एनीवे हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, विल यू नो विल हैव टू सॉल्व लाइक 15 टू 20 क्वेश्चंस हियर, तो तब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये सब कपड़े के अंदर है ना कॉन्सेप्ट, राइट। आधे क्वेश्चन पे चलो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस फटाफट। Don't we know, let's write a note, quadratic, f of x is equal to ax square plus bx plus c, अगर a greater than 0 होता, तो इसका रेंज क्या होगा, a greater than 0 होता तो दिखता है कैसा, ऐसे दिखता है, तो उसका lower limit exist करता है, and it is simply given by 4a to ऊपर ऊपर, अगर a negative होता, तो नीचे, तो ये अपर लिमिट बनेगा, तो फिर लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी 2 माइनस बी बाय 4 ए, ये हम कई बार कर चुके ऑलरेडी है ना। तो गाइस रेंज ऑफ फंक्शन का मतलब हाइट वो माइनस बी बाय 4 ए, एक्स की वैल्यू कौन सा वैल्यू ऑफ एक्स पर होता है, ये माइनस बी बाय 2 ए पर है ना। This will be question number 18. Okay. F of x is equal to bx square plus 4x plus 5. F of x is equal to root 3x square plus 4x plus 5. f of x is equal to e का पावर, f of x is equal to half f of x is equal to f of x is equal to There are some very interesting questions here. So you should have a fair idea of all functions, है ना? तभी हम ये सब कर सकते हैं। तो the moment you look at this quadratic, probably easiest ये क्योंकि ये अपना पहला या दूसरा chapter था quadratic, है ना? तो very simple quadratic का range होता है minus b by 4 into infinity in this case, क्योंकि a है 3 और वो है पॉजिटिव, इज़ इट? तो सिंपली माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4 3 12 16 टू इनफिनिटी, इज़ इट? ये कितना होगा 16 माइनस 60 44 माइनस 44 माइनस 44 अपॉन 11 11 बाय 3 टू Simple, is it? Easy. अब देखो, root के अंदर quadratic और यही quadratic. Very very interesting question. अच्छा ये देखो, do we know root x का function, root x का graph? कैसे दिखता है? याद है आधा पैराबोला, याद है आधा पैराबोला, y रूट x का मतलब स्क्वायर करो, है ना?
तो वापस जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे प्लस माइनस रूट एक्स आएगा, ऊपर वाला प्लस रूट एक्स नीचे वाला माइनस रूट एक्स। तो ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, रूट एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब व्हाट डू वी नीड टू डू, सिंपली कपड़े पहनो रूट का, सिंपल बात है। तो सिंस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लाइज बिटवीन 11 बाय 3 टू इंफिनिटी, तो रूट ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लाइज बिटवीन रूट 11 बाय 3 टू रूट इंफिनिटी। रूट इंफिनिटी कितना होता है, इंफिनिटी। तो अल्टीमेटली रूट 11 बाय 3 टू इंफिनिटी। अच्छा इधर में क्लोज है ना और उधर में ओपन, सिंपल है। अच्छा अगर कल कोई क्वेश्चन ये होता, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट्स फाइंड रेंज ऑफ दिस, है ना। अच्छा माइनस डी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a टू इंफिनिटी, सही है। तो ये माइनस 1 बाय 2 टू इंफिनिटी है, वेरी गुड, ऑसम। अब ये देखो गाइस, अपने कपड़े तो पहना है। अच्छा तो बेसिकली क्या है कि इसका ना इसका रेंज ज्यादा है ना। जस्ट इमेजिन कि किसी जैसे कि 20 ईयर पर्सन का कपड़े किसको पहना है आपने, तो ये 10 साल लड़का को पहनाया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, तो बाहर नहीं जाएगा कपड़ा, इजंट इट। तो उसमें ना वो इमर्स हो जाएगा वो कपड़े के अंदर, है ना। तो फंडा क्या है कि रूट का ना, रूट क्या है कि नेगेटिव वैल्यूज लेता भी नहीं है, है ना। तो ऑब्वियसली व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, एक्चुअली वी शुड बी रिस्ट्रिक्टिंग दिस फंक्शन। इस फंक्शन को अपने को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, भाई ये रूट तो नेगेटिव नहीं लेता, तो क्या करेगा ये फंक्शन अपने आप में एडजस्ट कर लेगा। तो क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग नेगेटिव वैल्यूज टू रूट, ये फंक्शन क्या करेगा, इसका सबसेट कौन सा, जीरो टू इंफिनिटी इसको मिलेगा रूट को। आ रहा समझ में, क्योंकि रूट का कैपेसिटी नहीं है नेगेटिव वैल्यूज लेने का, क्या बोलते हैं उसका, औकात नहीं है। अच्छा तो रूट का कैपेसिटी नहीं है, रूट का कैपेसिटी है जीरो टू इंफिनिटी, वो सिर्फ वैल्यूज लेता है जीरो टू इंफिनिटी का। आया समझ में, तो इसका मतलब इमीडिएटली ये क्वाड्रेटिक अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, तो वो सिर्फ देगा रूट जीरो टू इंफिनिटी, है ना। तो इस इंटरवल में रूट भी क्या करता है, वही वैल्यूज लेगा रूट जीरो टू इंफिनिटी। तो ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना, ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स ऑल्सो लाइज इन इंटरवल रूट जीरो टू इंफिनिटी, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेटिक का रेंज निकाला, नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव तो ये लेता नहीं है, तो इसका सबसेट जीरो टू इंफिनिटी वो रूट को मिलेगा, एंड रूट जीरो इज जीरो, रूट इंफिनिटी इज इंफिनिटी, ठीक है। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, तो गोइंग फॉरवर्ड बहुत काम आएगा ये फंडा। अच्छा नेक्स्ट वाला, हाफ का पावर। तो पहली बात, पहले आते हैं x प्लस वन के बारे में, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अरे तो कॉम्प्लेक्स वाला, इसका रेंज क्या होता है, माइनस डी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a टू इंफिनिटी, है ना। कितना आ रहा है, 3 बाय 2 टू इंफिनिटी, सही है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग, 20 है ना क्वेश्चन अपना, माइनस डी बाय 4 है ना, अरे पहले तो कुछ गड़बड़ किया गया मैंने, नहीं ना कुछ चक्कर पता नहीं, जिसको गड़बड़ पक्का सही किया मैंने। अच्छा वो माइनस वन बाई फोर होगा क्या, वो जो भी है जीरो टू इंफिनिटी है उसका, है ना। अच्छा गाइस नो, मेक श्योर कि आप अपना माइनस डी बाई फोर एक हियर, है ना, जस्ट मेक श्योर, ठीक है। अगर मैंने कुछ गड़बड़ किया तो आप ठीक कर लेना, है ना, बट अल्टीमेटली आंसर वही रहेगा, ठीक है। अब ये देखो 20 में एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, e का पावर, e का बेस ग्रेटर देन 1 है, हां बेस पे डिपेंड करता है, यानी बेस ग्रेटर देन 1 होता तो ऊपर, बेस लेस देन 1 होता नीचे, बट ऊपर ऊपर ही, है ना। अच्छा तो ऑब्वियसली इसके लिए क्या होगा आंसर, सिंपली e का पावर 3/4 टू e का पावर इंफिनिटी,
इसलिए अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ई का पावर 3 बाय 4 टू इंफिनिटी, सही है ये। अच्छा अब आते हैं 21st, व्हाट अबाउट हाफ का पावर, हाफ जो है वो लेस देन 1 है तो वो डिक्रीजिंग है, माने साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ये कैसा होगा, अच्छा ये किसका रेंज है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का, है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का रेंज है, तो हाफ का पावर इंफिनिटी होगा, है ना, एफ ऑफ बी टू एफ ऑफ ए डिक्रीजिंग होता है, तो हाफ का पावर इंफिनिटी टू हाफ का पावर थ्री बाय फोर। अच्छा ये हाफ का पावर इंफिनिटी, लुक एट द ग्राफ, ग्राफ ऑल्सो गिव्स यू आइडिया, थ्री बाय फोर इंफिनिटी, देखो नीचे नीचे जा रहा है, इंफिनिटी पे टेंस टू जीरो, है ना, बाय टेंस टू जीरो, देखो ये बाय है, बाय टेंस टू जीरो, है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वन बाय टू का पावर इंफिनिटी, वन बाय इंफिनिटी जीरो, जीरो टू हाफ, मैंने ये को ट्राई करके सर, है ना, ये क्लोज है, guys again you see we have made use of graphs here, next one upon don't we know one upon ka one upon x star ye aisa hota hai na, ye 3 by 4 to infinity to ye hai x का इंटरवल, तो ये है ग्राफ का, डायरेक्ट कर सकते हैं इन दिस केस, इज़ इट, तो 20 सेकंड में 1 अपॉन का मतलब 3 बाय 4 का रेसिप्रोकल 4 बाय 3 और इनफिनिटी पे टेंड्स टू 0, इज़ इट, तो सिंस दोनों पॉजिटिव है ना, सिंस दोनों पॉजिटिव है तो 1 बाय इनफिनिटी टू 1 बाय 3 बाय 4, देखो इधर क्लोज्ड है और इधर ओपन, तो गाइस 1 बाय x डिक्रीजिंग फंक्शन है, 1 बाय x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, देखो डिक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो f ऑफ b टू f ऑफ a 1 बाय इंफिनिटी टू 1 बाय 3 बाय 4 माने 0 टू 2 बाय, ठीक है, 23 जबरदस्त क्वेश्चन है, दो कपड़े पहनाना है आपको, दो दो है ना, तो पहली बार देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बिलोंग्स टू 3 बाय 4 टू इंफिनिटी, पहले कौन से कपड़ा पहनाना है आपको, रूट, जब रूट अप्लाई करेंगे रूट 3 बाय 4 का मतलब रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 2 टू इंफिनिटी, सही है, अब अपने को पहनाना है साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स हमेशा साइन इनवर्स के अंदर जो सामान है या साइन इनवर्स का जो कैपेसिटी है वो क्या है, साइन इनवर्स कैसे वैल्यू लेता है, माइनस वन टू वन, क्या वो वन से बड़ा वैल्यू ले सकता है, वो नहीं, इसका मतलब ये रूट वाला भैया क्या करेगा, ये पहचानेंगे कि इसके ऊपर साइन इनवर्स के कपड़े हैं तो वो माइनस वन से छोटा वैल्यू नहीं देगा और वन से बड़ा वैल्यू नहीं देगा, मतलब ये एडजस्ट कर जाएगा, कैसे, ये कैसे एडजस्ट कर जाएगा, रूट थ्री बाई टू टू वन हो जाएगा, हो आया समझ में, तो गाइस बाहर साइन इनवर्स है इसके ऊपर साइन इनवर्स है तो माइनस वन और वन के बीच में वैल्यूज ही लेता है, तो ये रूट थ्री बाई टू टू इन्फिनिटी को रेस्ट्रिक्ट करेंगे रूट थ्री बाई टू टू वन, तो ये साइन इन, अच्छा साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है गाइस, कॉस का फ और साइन इनवर्स का उल्टा फ, तो साइन इनवर्स देखो इंक्रीजिंग है लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग, तो साइन इनवर्स इंक्रीजिंग है, तो साइन इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाई टू टू साइन इनवर्स ऑफ वन विच इज पाई बाई थ्री टू पाई बाई, एक्सलेंट क्वेश्चन था, ऑब्वियसली दिस वाज लास्ट इट ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है, सो विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट क्लास।